हटीमा सर्राफा एसोसिएशन कोरोना काल में मदद के लिए आ गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे मिशन हौसला अभियान के तहत हटीमा पुलिस समय समय पर जनता की मदद के लिए आगे आ रही है। वहीं आज हटीमा सर्राफा एसोसिएशन द्वारा 10 राशन की किट हटीमा कोतवाल नरेश चौहान को सौंपी गई, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, नमक, तेल आदि मसाले थे। वहीं हटीमा पुलिस इन राशन किटों को पुलिस द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किया जाएगा। वहीं सर्राफा यूनियन के अध्यक्ष अमित वर्मा ने हटीमा के अवार न्यूज़ से रूबरू होते हुए कहा कि जैसे हटीमा पुलिस विभाग कोरोना काल में मेहनत से लगा हुआ है और गरीब असहाय लोगों को पुलिस द्वारा राशन की किट दी जा रही है, उसी के चलते आज सर्राफा एसोसिएशन की ओर से पुलिस विभाग का सहयोग किया गया और राशन की 10 किटें, जिसमें आटा, चावल, तेल, नमक व मसाले हैं, वह हटीमा पुलिस को सौंपी गई हैं, जो गरीब तक पहुंच सके। साथ ही कहा कि आगे भी ज़रूरत पड़ने पर हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रशासन द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस विभाग बिल्कुल दिन रात मेहनत से लगा हुआ है, तो इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब व्यक्ति की जो अपनी मेहनत को देखते हुए हमने ये तय किया कि सही पुलिस प्रशासन जब इतनी मेहनत करा तो उनको भी हमारी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जो भी सहयोग हो सकता है वो अपनी संस्था सर्राफा एसोसिएशन हटीमा की तरफ से आज हमने 10 राशन की किटें पुलिस विभाग को दी हैं, जो गरीबों तक पहुँच सकें। कोतवाल साहब के द्वारा समय समय पर मैंने निवेदन किया है उनसे कि भाई आपको अगर इन टीचर की जरूरत पड़ती है इस तरह तो आप हमें आदेश इस तरह हम आपको हमेशा सहयोग के लिए हम लोग पूरी टीम हमेशा आपके साथ तैयार रहेगी। जब आप तो इसमें देखिए फिलहाल तो इसमें हमने 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो नमक और मसाले वगैरह दिए हैं, तेल वगैरह।